कामधेनु दूध फिर 2 रुपए महंगा, 1 दिसंबर से लागू होंगे नए दाम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कामधेनु हितकारी मंच संस्था ने दूध के दाम में एक बार फिर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी है। 1 दिसंबर से दूध के बढ़े हुए दाम लागू होंगे। हिमाचल के निचले क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू में अब 54 के बजाय 56 रुपए, जबकि ऊपरी क्षेत्रों शिमला, सोलन के अलावा चंडीगढ़ में 56 के बजाय अब 58 रुपए प्रति लीटर दूध मिलेगा। संस्था ने इससे पहले 3 मार्च को भी 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए थे, उसके बाद 1 सितंबर को भी दूध महंगा किया था। कामधेनु हितकारी मंच के अध्यक्ष नानक सिंह ने कहा कि दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, दाम 1 दिसंबर से लागू होंगे। संस्था ने दुग्ध उत्पादक परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए दाम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि पशु चारा और फीड की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर दूध महंगा किया जा रहा है। मतगणना से पहले 2000 शिक्षकों के बदलेंगे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले करीब 2000 शिक्षकों के स्कूल बदलेंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले स्थानांतरित हुए शिक्षक अब रिलीव हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बाबत सोमवार को अवर सचिव शिक्षा की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी कर अवगत करवा दिया गया है। संबंधित जिला उपनिदेशकों और प्रिंसिपलों को स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को रिलीव व ज्वाइन कराने को कहा गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 14 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी। इस तारीख तक हजारों शिक्षकों के तबादला आदेश जारी हो गए थे। IIT मंडी में बन रहा 200 किलो भार उठाने वाला देश का पहला ड्रोन। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाले देश के पहले राज्य हिमाचल के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। हिमाचल के मंडी स्थित IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप के तहत देश का पहला 200 किलो तक भार उठाने वाला ड्रोन तैयार किया जा रहा है। खास बात यह भी है कि IIT के परिसर में ही एक भवन से दूसरे भवन तक इस ड्रोन का ट्रायल भी होगा। भार उठाने की अधिक क्षमता के चलते ये ड्रोन पर्वतीय राज्यों में एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। अब बिजली के बिना गर्म होगा पानी, बनेगा खाना, कमरे भी रहेंगे गर्म। अचानक बिजली चली जाए तो हमारे रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो जाते हैं, मगर मिट्टी और लोहे से बना एक मल्टीपर्पज चूल्हा ऐसा नहीं होने देगा। ये चूल्हा पानी गर्म करेगा, खाना बनाएगा और सर्दियों में कमरों को भी गर्म कर देगा। इस चूल्हे को तैयार करने का खर्च मात्र 3000 रुपये आएगा, मगर चूल्हे से कमरों तक गर्म हवा पहुँचाने के लिए जो पाइप लगाई जाएगी उस पर कुछ खर्च अलग का आएगा। ये चूल्हा बर्फबारी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी और बरसात के कारण इन इलाकों में बिजली का हमेशा संकट बना रहता है। वहीं कई ऐसे इलाके भी हैं जहां बिजली के हमेशा कट लगते रहते हैं, और ऐसे में वहां पर खाना बनाना, पानी गर्म करना और कमरों को गर्म करना काफी कठिन हो जाता है। हिमाचल के बद्दी में बनी नकली दवाओं को लेकर देश भर में अलर्ट जारी, जाने क्या है मामला। हिमाचल प्रदेश के सोलन के बद्दी में हाल ही में पकड़ी गई नामी कंपनियों के नाम पर तैयार नकली दवाओं को लेकर हिमाचल सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी किया है। दवा निर्माण में बद्दी एशिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है। बद्दी से ही सभी राज्यों के लिए दवाइयों की आपूर्ति होती है। ऐसे में हिमाचल सरकार ने सभी राज्यों के दवा नियंत्रक अधिकारियों को नकली दवाओं को लेकर आगाह करते हुए जाँच करने के लिए कहा है। नकली दवाओं के मामले में देश सरकार लगातार दवा नियंत्रक प्राधिकरण अधिकारियों से रिपोर्ट ले रही है। शिक्षकों की बायोमेट्रिक छात्रों के संवाद ऐप पर हाजिरी, अनिवार्य अभिभावकों को भी मिलेगा संदेश। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा निदेशालय सख्त हो गया है। विभाग ने शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की है। इसका पूरा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रखा जाएगा। इसके लिए स्कूलों को ई संवाद ऐप के माध्यम से उपस्थिति रजिस्टर करवानी होगी। हालांकि स्कूलों में उपस्थित रजिस्टर भी लगेंगी, लेकिन ई संवाद ऐप पर भी इसका पूरा रिकॉर्ड होगा। यदि किसी की ई संवाद ऐप पर उपस्थिति नहीं लगी तो रजिस्टर में भी अनुपस्थिति ही लगाई जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। मतगणना की तैयारियां तेज, 7 दिसंबर को रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे कर्मी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिमला के मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑब्जर्वर की पहली रैंडमाइजेशन 1 दिसंबर को होगी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि दूसरी रैंडमाइजेशन का आयोजन 6 दिसंबर को किया जाएगा। इसके बाद मतगणना कर्मियों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को उनके विधानसभा क्षेत्र आवंटित कर दिए जाएंगे। 7 दिसंबर को मतगणना से जुड़े सभी कर्मचारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।
हिमाचल में 14 दिन बाद करवट बदल सकता है मौसम। कड़ाके की ठंड में हृदय रोगी बढ़ते एहतियात। हिमाचल प्रदेश में शुष्क ठंड पड़ रही है। दिन में धूप खिलने के साथ सुबह और शाम व रात को कड़ाके की ठंड से ठिठुर रही है। 3 दिसंबर के बाद ही बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में 3 दिसंबर तक वर्षा की संभावना नहीं है। ऐसे में आने वाले 14 दिन के दौरान इसी तरह की शुष्क ठंड व धुंध की समस्या झेलनी पड़ेगी।